अर्नब गोस्वामी की हो गई है गिरफ्तारी। जी हाँ दोस्तों, अभी का ये सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ है। क्या है ये पूरा मामला, बने रहिए हमारे साथ, हम करने वाले हैं इस चीज़ का खुलासा। तो आज की ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों कि अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक टीवी के मालिक, जिनको की कर लिया गया है महाराष्ट्र में गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्रभात जागरण के इस नए संस्करण में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं अर्नब गोस्वामी के। जी हाँ दोस्तों, अपने रिपब्लिक टीवी पर अर्नब गोस्वामी को कई बार देखा होगा, दूसरे लोगों को कहा सुनी करते हुए, उनके ऊपर में आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए काफ़ी ज़्यादा वह लांछन लगाते हैं। और भारत पूछ रहा है, इंडिया जानना चाहता है, इस तरह के शब्द से आप जरूर वाकिफ होंगे। तो क्या है ये पूरा माजरा, इसी का आज हम करने वाले हैं विश्लेषण। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया होगा, अगर नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए, जिससे आपको इस तरह की ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिलेगी सिर्फ और सिर्फ प्रभात जागरण पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का संस्करण। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है दोस्तों। साथ ही साथ अर्नब गोस्वामी ने पुलिस के साथ बदसुलूकी और मारपीट का भी आरोप लगाया है। तो क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे हम लोग आज अपने इसी संस्करण में। सीनियर जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी को कथित 2018 के एक आत्महत्या के केस में उनको गिरफ्तार किया गया है, और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें अलीबाबा पुलिस स्टेशन लेकर आया गया है। अर्नब की गिरफ्तारी के बाद से ही आरोप प्रत्यारोप का खेल स्टार्ट हो चुका है, जहां पर कि बीजेपी ने इसकी तुलना आपातकाल से कर दी है और इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ खिलवाड़ भी बताया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अपना वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को गंभीर रूप से निंदनीय और साथ ही साथ अनुचित और चिंताजनक बताया है। हमने 1975 की डेमोक्रेसी इमरजेंसी के विरोध करते हुए प्रेस की स्वतंत्रता के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, ऐसा उन्होंने कहा है। साथ ही साथ किसी की राय अलग हो सकती है, कोई सवाल भी पूछ सकता है। पुलिस शक्ति का दुरुपयोग कर अर्नब गोस्वामी के कद के एक पत्रकार को इसलिए गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि वह देश से सवाल करता है, सरकार से सवाल करता है। हम सभी इसकी निंदा करते हैं और ज़रूरत है कि अभी सब कोई एकजुट होकर इसके प्रति आवाज़ उठाएं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर में भी हमला बोला है। उन्होंने हमला करते हुए यह भी कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी संस्थाओं के खिलाफ हमले से प्रेरित होकर बीजेपी सरकार के ऊपर में हमला कर रहे हैं। साथ ही साथ वह पूरी तरीके से चुप है, ऐसा भी उन्होंने यह आरोप लगाया है। जब महाराष्ट्र में उनका अपना सरकार प्रेस की स्वतंत्रता का हनन कर रहा है तो यह एक बहुत बड़ा पाखंड है, ऐसा रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के ऊपर में सीधा सीधा हमला किया है दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी इसकी काफ़ी भर्त्सना की है, काफ़ी निंदा की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हम महाराष्ट्र में प्रेस स्वतंत्रता पर हमले की निंदा करते हैं, यह प्रेस के साथ व्यवहार का तरीका नहीं है, यह हमें उन आपातकाल दिनों की याद दिलाता है जब प्रेस को इस तरह से व्यवहार किया गया था। तो इस तरीके से बीजेपी के दो अलग अलग मंत्री कांग्रेस के ऊपर में सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच पेट्रोलियम मंत्री धर्मेश प्रधान ने भी अपनी वक्तव्य रखा था और उन्होंने भी कांग्रेस के ऊपर में हमला किया। हमला करते हुए उन्होंने भी यह बात कही कि आज जब महाराष्ट्र में इस तरीके से किसी सीनियर जर्नलिस्ट के ऊपर में हमला हो रहा है तो कांग्रेस की सरकार जो दिल्ली में बैठी हुई है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, उन्होंने अभी तक इस पर किसी तरह का कोई हस्तक्षेप क्यों नहीं किया। यह सारा गाइडलाइन ऊपर से ही मिल रहा है क्योंकि किसी भी अधिकारी के पास में इतना पावर नहीं होता है कि वो डायरेक्ट जाकर इस तरीके से किसी सीनियर जर्नलिस्ट को अरेस्ट करे। जब तक ऊपर से यह पावर नहीं प्रेस किया जाता है, नहीं फॉरवर्ड किया जाता है, तब तक इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्योंकि महाराष्ट्र में स्वतंत्रता के अभिव्यक्ति के खिलाफ यह कांग्रेस का हल्ला बोल है। इस तरीके से बीजेपी के
तीन तीन मंत्रियों ने अपनी बात रखी है और साथ ही साथ कांग्रेस के ऊपर में साफ हमला किया है। वहीं बात करें शिवसेना के संजय राउत की, तो संजय राउत ने भी इस पर खुलकर अपना बात कही है और उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र की सरकार कभी भी किसी भी तरीके से इस तरह का कोई गलत कार्य नहीं करती है। जब से महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार बनी है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि महाराष्ट्र की पुलिस हमेशा कानून का पालन करती है, अगर किसी के खिलाफ सबूत है तो पुलिस कार्रवाई कर सकती है। ठाकरे सरकार के गठन के बाद से ही बदला लेने के लिए किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई कभी नहीं की गई है, ऐसा संजय राउत ने अपना वक्तव्य रखा है। दरअसल ये मामला है क्या दोस्तों, जिसके अगेंस्ट में अर्णब गोस्वामी के ऊपर में कथित कार्रवाई की गई है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। दरअसल बता दूं कि यह एक मामला 2018 का है, जब एक इंटीरियर डिज़ाइनर जो 53 ईयर्स के थे, उनका नाम था अन्वय नाइक और उनकी मां कुमुद नाइक ने जो मई 2018 में अलीबाग में आत्महत्या कर ली थी, और इस घटना के बाद एक सुसाइड नोट मिला था जो कथित तौर पर अन्वय द्वारा लिखा गया था, और इस नोट में उन्होंने कहा था कि अर्णब गोस्वामी ने उन्हें 5.40 करोड़ रुपए नहीं दिए, भुगतान नहीं, जिसकी वजह से उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा और यह एक मामला सुसाइड का डिक्लेयर कर दिया गया था। तो यही एक मामला है दोस्तों, जिसके अगेंस्ट में अभी फ़िलहाल अर्णब गोस्वामी के ऊपर में एक्शन लिया गया है, उनको कार्रवाई की गई है और साथ ही साथ उनकी गिरफ्तारी भी हुई है और फिलहाल अभी वो अलीबाबा के पुलिस स्टेशन में हैं। तो इसके ऊपर में आगे जो भी कार्रवाई होगी, इससे जुड़ी हुई जो भी खबरें आएंगी दोस्तों, हम रखेंगे सबसे पहले आपके साथ में। तो जो बने रहिए हमारे साथ में इस तरह की ब्रेकिंग खबरों को जानने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का यह संस्करण आपको पसंद आया होगा। तो इस तरह की लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको मेरी अगली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएगी जल्द से जल्द। तो मिलते हैं अगले संस्करण में कुछ इसी तरह की धमाकेदार खबरों के साथ में। तो मिलते हैं अगले संस्करण में, तब तक के लिए नमस्कार।